ये है मंदिर के आसपास का व्यू और इधर पड़ता मंदिर। प्रसाद प्रसाद हाथ दे दीजिए। कितने का ये हम लोगों ने प्रसाद ले लिया है और चलते हैं आगे दर्शन करने के लिए। यहाँ आसपास का पूरा व्यू है, बहुत ही शानदार लग रहा है। तो यहाँ पर कभी आप दर्शन करने के लिए आते हैं तो मुक्तिनाथ मंदिर के पास में बहुत सारे होटल्स हैं और आपको 1000 रुपये में होटल मिल जाएगा आराम से। ये सब पूरे होटल्स ही हैं यहाँ पर रुकने के लिए। हाँ वीडियो बना रहे हैं। कहाँ से हैं? हैदराबाद। कहाँ से? यूपी अयोध्या। जी दर्शन करके आने वाले हैं। हाँ चलो हैदराबाद से आए हुए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। नमस्ते आंटी। वहाँ पर देखिए वहाँ पर कितना एक मंदिर बना हुआ है ऊपर टॉप पर, अभी वहाँ भी चलेंगे दर्शन करने के लिए। ये ट्रैकिंग का रास्ता है, यहाँ ट्रैकिंग करके चढ़ के चिड़ियों पे चढ़ करके ऊपर जाना होगा। अभी चलते हैं वहाँ भी। यहाँ पर पूजा पाठ की कुछ चीज़ें बिक रही हैं। ये यहाँ बिक रहे हैं गर्म कपड़े, टोपी और पूजा पाठ के कुछ सामान, कुछ मूर्तियाँ बिक रही हैं, कुछ माला है। ऐसे ही दुकान लगा रखा लोगों ने। ये यहाँ पर बर्तन देखिए कितना शानदार है। ये देखिए घूम रहा है तो पता नहीं क्या सिस्टम है, कैसे घूमता है। बैटरी लगी है क्या उसमें? अच्छा सोलर का है और सूर्य की रोशनी चलता है। ये गजब कभी हो रहा है। पैसा भी निकाल सकते हैं। ये ऑफ रोडर, यहाँ पर ऑफ रोडिंग गाड़ी बहुत चलती है। ये कुछ फॉरनर्स हैं ट्रैकिंग करके आए हुए हैं। ये बहुत शानदार बना हुआ होटल है। ये बिक रहा है आलू। आलू बोया जाता है क्या यहाँ पर? ये बुवाई के लिए क्या? अच्छा रुपाई करेंगे, रुपाई की मतलब आलू की खेती भी होती है यहाँ पर? खेती होता है ना, ये दो कल आलू इधर। बहुत सही, बहुत होता है आलू। आलू सेव होता है इधर। आलू सेव होता है। अच्छा सब्जी सब्जी की खेती होती है यहाँ पर? अभी अभी बर्फ जाएगा ना। हाँ, बाद में होता है, 6-6 महीने में। 6 महीने बाद। हाँ। आलू अभी सब होता है यहाँ पर? अच्छा वाला होता है, साग होता है इतना मोटा मोटा वाला। अच्छा वो राय का साग है ना। हाँ। वो होता है मूला। अच्छा ये देखो इतना बड़ा बड़ वाला व्यू का है, ये तो छड़का छड़का वाला है और वो मोटा इतना इतना होता है। अच्छा हाँ, अच्छा वाला है। बहुत सही देखो इतना अच्छा वाला है। ओ व्यू का लुई एक जैसे कटिंग करके बाद में रुपए के 3-4 रुपए कर देंगे इसकी। हाँ रुपए करके। यहाँ मुक्तिनाथ में सब्जी की खेती भी बहुत होती है। भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर सब्जी की खेती बहुत जबरदस्त होती है। अभी जब बर्फ यहाँ पर जाएगा हटेगा पहाड़ों पे ऐसे सामने देख रहे हैं तो यहाँ पर सब्जी की खेती की जाएगी। बता रहे हैं आलू गोभी सारी चीज़ें होती है यहाँ पर। ये जान के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर सब्जी की खेती की जाती है। अब बढ़ते हैं आगे भगवान के मंदिर की तरफ। है इस रिसोर्ट ये किसी के बाल का बना हुआ है क्या? याक टेल। अच्छा टेल टेल टेल, ये याक का पूंछ, ये बाल का है। रुद्राक्ष की माला।
यहाँ कुछ राइडर्स जो आए हैं बाहर से दर्शन करने के लिए। हो वेलकम टू द मुक्तिनाथ टेम्पल, जय श्री मुक्तिनाथ। ये है मंदिर और यहाँ से शुरू होती हैं सीढ़ियाँ। भाई थक गए, थोड़ा सांस लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि अभी यहाँ पर सीढ़ियों की चढ़ाई करनी है। आराम से चलेंगे, ये रास्ता यहाँ से चलते हैं। ये देखिए अभी इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, वहाँ से चले थे वो गेट के सामने, वो गेट के सामने वहाँ से चले थे, अभी इतनी चढ़ के आए हैं। और ये है यहाँ का व्यू, यहाँ पर एक नेपाली स्वामी द्वारा निर्मित विश्राम स्थल, ये विश्राम स्थल बना हुआ है जो नेपाली सेना के द्वारा बनाया गया हुआ है। यहाँ पर एक चेयर लगी हुई है और एक खूबसूरत सा मकान बना रखा है। बाबा कितनी सीढ़ियाँ होंगी कुल काउंट में, गिनती में? गेट से गेट तो 325 और भीतर में है 40 भीतर का तो बराबर है। अच्छा हाँ, 325 है गेट से गेट तक। अच्छा है 40 यहाँ से जो नीचे से सीढ़ियाँ आ रही हैं और वहाँ गेट तक 325 सीढ़ी है और अंदर 40 सीढ़ी है। कहाँ आप इंडिया से हैं क्या? आप इंडिया से हैं क्या? मैं तो नेपाल का हूं। नेपाल के हैं आप? कहाँ से? मैं हूँ अयोध्या से। अयोध्या से गया हूँ, बहुत बार गया। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। वहाँ से आ चुके हैं और अभी कम से कम 50 सीढ़ी जाना है और अंदर 40 सीढ़ी जाना है, लगभग 325 सीढ़ी है। सामने स्नो माउंटेन और ये सारे जो बने हुए हैं ये होटल्स हैं यहाँ के। और वहाँ देखिए लोगों ने अपने बना रखे हैं घर, वहाँ लोगों का बसेरा, जो खच्चर पर बैठ के आते हैं उनका स्टॉप ये है, यहीं पर उतार देते हैं और उसके बाद उनको यहाँ से फिर चढ़ के जाना होता है। Come on, come on, come on, you can do. Few more steps, come on. Yeah, few more steps. Yeah, yeah. क्या है ये, लोग घुमा रहे हैं इसको, क्या मानता है पता नहीं, हम भी घुमाते हैं। बहुत हार्ड है किसी को, जय हो बाबा मुक्तिनाथ। और ये है गेट, यहाँ चलते हैं अंदर। क्या दिख रहा है भाई यहाँ से, क्या व्यू लग रहा है,
नमस्कार, नमस्कार। कहाँ से आए? हम अब काठमांडू। काठमांडू से? अब कहाँ से आए? इंडिया। अयोध्या? हाँ, इंडिया। इंडिया अयोध्या। अयोध्या हाँ। अयोध्या मथुरा माया काशी क्रांति अवंतिका पुरी द्वारावती शैव सप्त मोक्षदायका। मोक्षदायिका बिल्कुल सही। जय सीताराम, जय सियाराम, जय बाबा मुक्तिनाथ, हर हर महादेव। जय बाबा मुक्तिनाथ, जय हो। बिल्कुल अब चलते हैं आगे, फिर बढ़ते हैं। कंटिन्यू आते हैं। जय बाबा मुक्तिनाथ, जय हो। जय बाबा मुक्तिनाथ। श्री मुक्तिनाथ यज्ञशाला यहाँ पर होता है यज्ञ भगवान के लिए। आप अद्भुत श्री सालग्राम भगवान और वैदिक यज्ञशाला दर्शन कर सकते हैं। अभी लौट कर यज्ञशाला का भी दर्शन किया जाएगा और मंदिर के आसपास का ये पूरा व्यू है। ये ओ तो जाना पड़ेगा यार। तो दोस्तों ये है 108 जलधारा। इसमें मान्यता ये है कि इसमें नहाने से आदमी सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। और ये है यहाँ का मंदिर, यहाँ लोग दर्शन करते हैं, दर्शन कर रहे हैं। यही वो मंदिर है जहाँ पर दर्शन करना है लोगों को। यहाँ पर लोग लाइन में लगे हुए दर्शन कर रहे हैं। तो चलते हैं दर्शन करते हैं। और ये है मंदिर के आसपास का। एक बार आपको बाइक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। ये है मंदिर का गेट और इसी गेट से जाना होता है अंदर दर्शन करने के लिए। और अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है, वीडियो फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है। तो अंदर का व्यू आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन बाहर से आपको दिखा रहे हैं। यही मंदिर है, ये सामने सीधा सनलाइट मंदिर में पड़ रहा है। जय बाबा मुक्तिनाथ। म सिकाउँछु नि त्यही अनुसार है। ए सामने र भगवान गौतम बुद्धको मूर्ति। जय हो भगवान गौतम, जय हो भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध की जय हो।